Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, घोसी विधानसभा उपचुनाव, घोसी विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद मानो कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बौखला गए हैं। और कहा जाता ना है कि खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे, तो वैसे ही माना जा रहा है कि खिसियाइल राजभर माइक नोचे, यानी कि मीडिया के सवाल पर भड़क जा रहे हैं और तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में हार के बाद ओम प्रकाश राजभर के जो बड़बोल है वो नजर आने लगा है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। समाजवादी पार्टी के गुंडे को उन्होंने ये कहा है कि मारेंगे ऐसा कि आवाज भी नहीं करेगा, चोट भी नहीं लगेगा और अंदर ही अंदर दो टांग पर आओगे और चार टांग पर लेकर जाना पड़ेगा। अब बताइए, राजनीति में इतनी आपत्तिजनक चीज है, अगर योगी जी दूसरा पार्टी का कोई कैंडिडेट, दूसरा पार्टी का कोई नेता इस तरीके का बयान देता तो योगी जी एक्शन ले लेते, उनकी पुलिस FIR दर्ज कर लेती। लेकिन ओपी राजभर, प्रकाश राजभर के बयान पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और यहाँ कोई धरना करता है उस पर मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। अब ये कितना राजनीति गिर चुका है इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ के बारे में बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन जिस तरीके से राजभर का बयान अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि भाई अगर BJP के साथ हो तो आप कुछ भी बोलो चलेगा, अगर नहीं हो, अगर थोड़ा सा भी वो गलत सही बोल दिए तो फिर वो नहीं चलने वाला है। हालांकि माना ये जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का जो राजनीतिक करियर है वो NDA में शामिल होने के बाद ढलते नजर आ रहा है, क्योंकि पहली चीज तो घोसी उपचुनाव में एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि ओम प्रकाश राजभर खेला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव हार गए। तमाम कयासे भी लगाए जा रहे थे कि BJP में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर एक साथ मंत्री पद का शपथ लेंगे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मंत्री पद शपथ लेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने योगी जी का नाम नहीं लिया बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को उन्होंने बताया कि हाई कमान जिम्मेदार है और वो इस पर फैसला लेने वाला है। लेकिन इस कड़ी में अपने बेटे को चुनाव लोकसभा का लड़ाने वाले, सपना देखने वाले ओम प्रकाश राजभर को वहां से भी झटका लग चुका है लगभग, और वो झटका ये है कि जो लोकसभा उपचुनाव गाजीपुर का होने वाला था वो शायद अब ना हो, क्योंकि काफी कम दिन 2024 के लोकसभा चुनाव का भी बचा हुआ है। तो ये सारी जो बौखलाहट है उसको लेकर यही लोग कह रहे हैं कि खिसियाइल राजभर माइक नोचे, यानी कि मीडिया के सवाल पर भड़कते नजर आ रहे हैं। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।